का सवाल हमारे पास है। पेटीएम के 50 शेयर्स इन्होंने 635 के दाम पर खरीद रखे हैं, 656 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं पेटीएम में आज के सत्र में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। सौरभ सिसोदिया जी, आपकी राय इस स्टॉक में क्या होगी? काफी न्यूज बेस इंपैक्ट पिछले दिनों हमने देखा है, पिछले 6 महीने में जो गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है वो भी हमें नोट करनी चाहिए। क्या लगता है इन लेवल्स पर इन्हें करना क्या चाहिए? पेटीएम की स्पेसिफिकली बात करें तो लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर बना रहा है, और पिछले एक महीने में देखिए तो स्टॉक ने जो 500 से 550 का जोन है वहां पे डबल बॉटम बनाया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो मेरा मानना है शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में ऑन द अपसाइड देखने मिल सकता है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे अगर इनके पास पोजिशन है तो एक 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजिशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड मेरा मानना है 750 तक की तेजी स्टॉक में देखने मिल सकती है, और वहीं पे इनको एक एग्जिट करने का ऑप्शन भी मिल सकता है। तो 750 के आसपास एग्जिट की सलाह रहेगी और 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजिशन में बने रह सकते। ठीक है, तो पेटीएम पे 20 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, और 750 का जब भी ये भाव हमें दिखता हुआ नजर आए तो वहां पे आपको एग्जिट करने की सलाह मिल रही है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से, श्रीकांत जी मौजूद हैं फोन लाइन पे। नमस्कार श्रीकांत जी, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? श्रीकांत जी, अगर आपको हमें हमारी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो जी, श्रीकांत जी अपना सवाल पूछें। हेलो, मैं श्रीकांत नहीं बोलो, टारिनीकांत बोलो, बरुआ बोल रहा हूँ मैं। ओके ओके, माफ कीजिएगा, आपका नाम दूसरा दिया हुआ था, पर चलिए हम आपका सवाल लेते हैं। आपका सवाल हमारी टीम ने भेजा है, आप चेन्नई पेट्रो पे आपका सवाल आया है। 5600 शेयर्स आप होल्ड करते हैं और 340 जो है आपकी बाइंग प्राइस आपने बताई है। आज हम देखें तो स्टॉक में करीब 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, निचले स्तरों से ये काउंटर भी रिकवर करता हुआ नजर आया है। सौरभ जैन जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जितने भी ऑयल एंड गैस से जुड़े स्टॉक्स हैं वो आज से फोकस में है, और चेन्नई पेट्रो 5% का अपर सर्किट है। क्या आने वाले समय में भी इस तरीके का अप मूव की उम्मीद करें, क्योंकि इनकी खरीद थोड़े ऊपर स्तरों की है? आपने ठीक कहा कि इन्होंने थोड़ा ऊंचे स्तरों पे लिया है। एक्चुअली चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनी में इसलिए भी ज्यादा हमने तेजी देखी क्योंकि जो मार्केटिंग जो रिफाइनिंग मार्जिन थे उनका इनको खासा फायदा मिला, और ये सिर्फ रिफाइनिंग करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको तेल जो पेट्रोल और डीजल है वो सस्ता बेचने में नुकसान हो रहा है, वह चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनी या MRPL जैसी कंपनी को काफी फायदा हो रहा है, और अभी जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफी अच्छे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने ऊंचे स्तर पर जरूर खरीदा है, लेकिन क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन की ट्रेजेक्टरी अच्छी दिख रही है और चाइना भी खुल रहा है, तेल में भी तेजी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले तिमाही में भी, जो तिमाही चल रही है और आने वाले दिनों में भी, कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी, तो मेरी सलाह से आप इसमें बने रह सकते हैं। ओके, चेन्नई पेट्रो पर ये राय मिलती हुई अपर सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड कर